वेलकम टू चैनो आज की वीडियो में हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखेंगे uh, हैकिंग्स की क्या होती हैं uh, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा ब्रीफली उसको एक्सप्लोर भी करेंगे थोड़ा सा उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज uh, हर टर्मिनोलॉजी जो भी हम लोग अभी यूज़ करने वाले हैं जो भी अभी हम देखने वाले हैं उसका एक ग्रेट डिटेल्स अपकमिंग वीडियोस में आप लोगों को मिलेगा एंड हाउ यू गैस डू इट एवरीथिंग विल बी डिस्कस इन ग्रेट डिटेल्स सो नथिंग टू वरी अबाउट अभी आप सिर्फ उनको टर्मिनोलॉजी को देखें ठीक है वीडियो के बाद आ, आपकी असाइनमेंट ये भी हो सकती है कि आप उनके बारे में थोड़ा सा खुद भी स्टडी कर सकते हैं ठीक है uh, तो नेक्स्ट वीडियोज़ में अपकमिंग वीडियोज़ में जब हम लोग थिंग्स इज गेट रियल ठीक है उस वक्त आप लोग चीज़ें देखेंगे एंड देन यू गैज विल हैव एन आइडिया आई जस्ट वांट टू गिव यू अ बैकग्राउंड ठीक है ये जितनी भी चीज़ें होंगी सो so गाइज ये बेसिक हैकिंग टर्मिनोलॉजीज हैं ठीक है uh, ये हम लोग इंटायरली uh, इस कोर्स में हम लोग इसको बार बार डिस्कस करते रहेंगे तो आई वॉन्ट यू गैज टू नो ईच वन ऑफ देम ठीक है ये क्या चीज़ें होती हैं Uh, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल देखेंगे डिटेल में थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे एंड देन ये जब इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे तो वहाँ पे uh, ज़्यादा कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे ठीक है अभी सबसे पहले देखते हैं फूड प्रिंटिंग बेसिकली क्या होती है फूड प्रिंटिंग अगर हमें uh, कोई ऑर्गेनाइजेशन हायर करती है ठीक है जो हमारा टारगेट होता है जो भी हमारा टारगेट ऑर्गेनाइजेशन या टारगेट इंडिविजुअल होता है ठीक है तो उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं उसके उसके चाहे वो फ़िज़िकल हम लोग उनको एक्सेस करें उनके पास जाएं एंड देन वी गैदर इन्फॉमेसन अबाउट इट ठीक है ठीक है या फिर उसके मतलब इसको हम एक्टिवली एक्टिव और भी बोल सकते हैं आदर स्ट्रेट अवे किसी से पूछ के हम लोग वो इन्फॉमेसन लें या फिर हम लोग खुद जाके इन्फॉर्मेशन लें ठीक है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाएँ या ओवर द इंटरनेट सारी इंफॉर्मेशन ले रखें सो so, ये सारी चीज़ें फुट प्रिंटिंग कहलाती हैं ठीक है थीके? किसी भी इन्फॉर्मे किसी भी ऑर्गनाइजेशन इंडिविजुअल के बारे में डेफिनेटली जिसको भी आपने हैक करना है ठीक है उसके बारे में इंफॉमेशन आपको होना बहुत जरूरी है कोई किसी भी ब्लाइंड चलता फिरते बंदे को आप हैक नहीं कर सकते ठीक है यू शुड बी हैविंग समथिंग एटलीस्ट समथिंग अबाउट दैट ऑर्गेनाइजेशन और अबाउट दैट गाय और हुआ द इंडिविजुअल इज ठीक है दूसरे नंबर पर आता है डॉस अटैक्स ठीक है डॉस स्टैंड फॉर डिनाइल ऑफ सर्विस ठीक है अभी नाम से ही आपको पता चल गया होगा डिनाइल ऑफ सर्विस तो Uh, हम किसी भी सर्विस को uh, उस इस तरीके से इस तरीके से अटैक करते हैं कि वो सर्विस बंद हो जाए ठीक है uh, उसकी एक लाइव एग्जांपल मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कोई भी वेब सर्वर्स होते हैं ठीक है ठीके? अभी फॉर एग्जांपल अपाची सर्वर है या कोई भी सर्वर जो वेब सर्वर्स हैं डिफ़ॉल्ट फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल अगर बाय डिफ़ॉल्ट उनकी जो लिमिट है रिक्वेस्ट uh, एक्सेप्ट करने की वो टेन थाउजेंड हो या फिर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड आई थिंक ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इज समाइन एम नॉट रियली श्योर अबाउट इट ठीक है अगर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड की रिक्वेस्ट uh, हैंडल कर सकते हैं पाची सर्वर बाय डिफ़ॉल्ट तो अगर आप किसी भी तरह मैनेज कर दें रिक्वेस्ट पच्चीस हज़ार से ज़्यादा एट द सेम टाइम ठीक है तो सर्वर्स क्या करेंगे कि वो सर्वर ये सोचेंगे कि मेरे पास ऑलरेडी पच्चीस हज़ार या दस हज़ार जितनी भी मेरी लिमिट है वो ऑलरेडी यूजर्स मेरे पास हैं तो वो जो नेक्स्ट यूज़र या नेक्स्ट रिक्वेस्ट आएगी सो so वो क्या होगा कि वो उसको बाई डिफ़ॉल्ट डाई कर देगा ठीक है तो डिनई जब कर देगा तो बेसिकली यू कैन ऑलसो से कि वेबसाइट डाउन हो जाती है ठीक है वेबसाइट वगैरह डाउन हो जाएगी सेम सेम थिंग गोज़ विद वाई फाई ऑल्सो किसी भी वाई uh, फाई जिसको भी हम लोगों ने टारगेट करना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम टारगेट करते हैं ठीक है थेके? तो उसमें भी हमारे डिनल ऑफ सर्विस लगाते हैं uh, ये वाला अटैक हम इनिशिएट करते हैं <coughs> तो ये अटैक इनिशिएट करने से पहले आ, हमें पता होना चाहिए कि हम ये अटैक क्यों इनिशिएट कर रहे हैं ऐसे नहीं कि कोई भी नेटवर्क्स कोई भी आपको वाईफाई नज़र आ रहा है अंदर जस्ट यू नो इनिशिएट दैट ऑस अटैक्स दिस इज़ कंप्लीटली लीगल सो यू गैज नीड टू नो दिस ठीक है डिनाइल ऑफ सर्विस पता चल गया आपको अभी आगे आगे लिखा हुआ है जस्ट यू जस्ट यू का मतलब है कि डिनाइल ऑफ सर्विस एक कंप्यूटर से होगा एक ही बंदा एक ही बंदा कर सकता है एट द सेम टाइम ठीक है लेकिन रियल इन्वायरमेंट्स में ठीक है रियल स्टफ़ में हम एक बंदा कभी भी uh, पच्चीस हज़ार या पचास हज़ार रिक्वेस्ट जो है ना सेम सेम टाइम पे इनिशिएट नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ लिमिटेड बैंडविड्थ ठीक है तो आ, दूसरे उसके बाद जो फिर आ, थोड़ी सी एडवांस टर्म्स हैं वो है डी डॉस ठीक है डी डॉस अटैक्स हैं अब डी डॉस इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑफ सर्विस ठीक है इसके आगे मैंने मल्टीपल पीपल भी लिखा हुआ है मल्टीपल पीपल फॉर कि हम सेम अटैक जनरेट करेंगे सेम अटैक इनिशिएट करेंगे बट डिफरेंट कंप्यूटर से यूज डिफरेंट कंप्यूटर से ये जो अटैक है ये बहुत मुश्किल होता है ट्रेस डाउन करना ठीक है तो अगर इस ये डी डॉस आप किसी नेटवर्क के ऊपर करते हैं तो डेफिनेटली बहुत क्लेवर कन्फिग्रेशन होनी चाहिए फायरबॉल की तभी जाके वो डिटेट करेगा अदरवाइज दिस इज़ वेरी 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 डिफ़िकल्ट टू हंड डाउन ठीक है तो डी डॉस हम लोग फिर क्या करते हैं डिफरेंस बिटवीन डॉस एंड डी डॉस यही है कि एक सिस्टम जनरेट करेगा पच्चीस हज़ार या पचास हज़ार जितनी भी रिक्वेस्ट होंगी और डी डॉस क्या करेगा कि मल्टीपल लैपटॉप्स या मल्टीपल रिक्वेस्ट मल्टीपल यूजर्स वही सेम अटैक जनरेट करेंगे ठीक है टू टू अटैक द द टारगेट वेब ऑर्गेनाइजेशन जो भी है ठीक हो गया uh, तीसरी चौथे नंबर पर आ रही है हमारे पास फड ठीक है तो फर्ड स्टैंडार फुली अनडिटेक्टेबल हम कोई भी uh, आगे अपकमिंग वीडियोज़ में देखेंगे कि uh, जब हम लोग पे लोड बनाते हैं ठीक है हम फॉर एग्ज़ाम्पल किसी सिस्टम को हैक करेंगे तो सिस्टम हैक करने के लिए हम लोगों को पे लोड uh, बनाना पड़ता है ठीक है तो हम जब पे लोड बनाएँगे तो वो पे लोड क्या करता है कि यू नो इट विल बी डिटेक्टेबल बाय एंटा वायरस ठीक है जितने भी एंटा वायरस होते हैं वो सब डिटेक्ट uh, कर लेंगे कि इट कंटेन्स मालव ठीक है तो वो जैसे ही आप वो मालवेयर या फिर जो भी वो पे लोड है आप एग्जीक्यूट करने से पहले वो एंटीवायरस उसको डिलीट कर देगा अदरवाइज और उसको डिसाम कर देगा ठीक है तो फिर हमें ये फुली अनडिटेक्टेबल पे लोड बनाने पड़ेंगे ठीक है ताकि वो एंटीवायरस जो हैं वो उसको डिटेक्ट नहीं करें ठीक है ये आ, अब फुली कोई भी एप्लीकेशन को फुली अनडिटेक्टेबल करने के लिए देखें ये खाली ज़रूरी नहीं है कि जो आप पेलोड आप बनाते हैं उसी को फुली फुलीटेक्ट अनडिटेक्टेबल बनाएं आप बहुत सारी कंपनीज भी आपको हायर करेंगी अपनी वो अपने एप्लीकेशन आपको दे सकती हैं कि उसको आप फुली फुलडिटेक्टेबल बनाएं ठीक है बाई एंटी वायरस डिटेक्ट नहीं होनी चाहिए एंटी वायरस के एंटी वायरस से तो दिस इज़ इज़लो दिस इज़ ऑल्सो अवज टॉपिक ठीक है तो इसके बारे में हम कुछ एग्जांपल्स uh, वगैरह देखेंगे और नहीं तो uh, इंटरनेट में यूट्यूब में हर जगह ये आपको इन्फॉमेसन और डिफरेंट डिफरेंट टूल्स वगैरह सब मिलते रहेंगे ठीक हो गया नेक्स्ट uh, जो हमारे पास कैटेगरी uh, है वो है रैट ठीक है रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल ठीक है ये रैट इट सेल्फ कोई वायरस है कोई मालवेयर नहीं है uh, ये एग्जिस्ट रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स जो हम लोग इंस्टॉल uh, करते हैं कंप्यूटर्स वगैरह में फॉर uh, एग्जांपल अगर मुझे किसी कंप्यूटर uh, में एक्सेस मिल जाती है तो हम रैट इंस्टॉल करते हैं उसमें ठीक है तो बेसिकली दिस इज़ वन ऑफ द वन ऑफ द डेंजरस एप्लीकेशन दैट यू कैन हैव बिकॉज uh, uh, ये एप्लीकेशन्स क्या करती हैं कि ये एप्लीकेशन इंस्टॉल तो हो जाती हैं बट यूज़र्स को कुछ पता नहीं चलता है कि मेरे सिस्टम कोई और भी यूज़ कर रहा है इस वक्त एट द सेम टाइम ठीक है तो ये सारी ये ये बेसिकली दीज आर नॉट वायरसेज और समथिंग दीज आर जस्ट रैट्स लेकिन रैट इंस्टॉल करने के लिए डेफिनेट भी हैंगसेस टू द कंप्यूटर ठीक है जिसके ऊपर भी आप लोगों ने इंस्टॉल करना है ठीक है नेक्स्ट uh, um, uh, जो है वो फिशिंग फिशिंग इट आपको वर्ड से ही पता चल रहा होगा फिशिंग इज समथिंग कि हम एक बेट uh, फेंकते हैं ठीक है और uh, उस बेट में जो भी बंदा उसको कैच कर लेता है ठीक है दैट गाय कैन हैक्ट ठीक है ये दिस इज समथिंग फिशिंग कॉन्सेप्ट इज़ इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ कि हम लोग फॉर uh, एग्जांपल कोई लिंक हम सेंड करते हैं ये आ, आ, आजकल uh, हर जगह पे ही हो रहा है इनफैक्ट ठीक है आपको जैना मलिशियस लिंक्स आते हैं ई में ठीक है और पी डी एफ्स आती हैं ठीक है और वो आपको पता होता है कि यार दीज दीज लिंक्स आर नॉट रेलमेंट तो यू इनफैक्ट अभी डिफरेंट टेक्निक्स टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं Uh, कुछ कुछ ई uh, आपको mm, बताती हैं कि बैंक स्टेटमेंट है आपकी एंड ठीक है लेकिन हम um, हमारी जो यूज़र uh, एंड होता है वो गलती ये करता है कि वो ई को नहीं पढ़ता ई का जो सेंडर है उसको नहीं पढ़ता है ठीक है तो एंटी जो भी ई e स्टेटमेंट हो गई है इस तरह करके कोई भी लिंक्स वगैरह आ गए या फिर कोई उसमें uh, आपके पास ई मेल आती है कि यार चेंज द पासवर्ड ऑफ यू अकाउंट ठीक है समझना था uh, इस तरह इस तरह करके वो लोग uh, जल्दी uh, ठीक है उस चीज़ को बिलीव कर लेते हैं ठीक है तो बेसिकली इज फिशिंग थिंग ठीक है दे विल जस्ट थ्रो अ बेट ऑन यू गाइज एंड जो भी उस बेट को पकड़ लेगा ठीक है वो दैट दैट गेट हैक्ड ठीक है सो दिस 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 कैटेगरी इज कॉल फिशिंग ठीक है फिशिंग भी हम लोग इसकी भी कोई um, इसको भी हम लोग देखेंगे इस इंटारली दिस कोर्स में ठीक है बाकी एसकल uh, इंजेक्शन क्या होती हैं वी पी एन प्रोक्सी स्टोर की लॉगर्स टर्मिनल्स वायरबॉल्स रिवर्स चेल्व एंड रूट केट हाँ रूट किट आपको मैं बता देता हूँ इसी वीडियो में देन आई विल कंटिन्यू द द रेस्ट ऑफ द कैटेगरीज इन द नेक्स्ट वीडियो ठीक है रूट किट बेसिकली क्या होते हैं जब हम रैट इंस्टॉल कर लेते हैं ठीक है बिकॉज इट्स रेलिवेंट टू रैट तो दिस इज इज दिस वाई एम कवरिंग दिस अभी जब हम लोग रिमोट एंड रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल इंस्टॉल करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है अगर आप लोगों को थोड़े भी थोड़े भी टेक्निकली साउंड होते हैं कुछ लोग तो अगर वो सिस्टम मैनेजर के अंदर जाएंगे तो वो सिस्टम मैनेजर के अंदर उसको प्रोसेस मिल जाएगा कि ये रैट का एक रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल का एक प्रोसेस चल रहा है ऑलरेडी तो हम जब वो सिस्टम मैनेजर ओपन करते हैं तो सिस्टम मैनेजर बेसिकली क्या करता है कि वो कर्नल के कर्नल के पास जाता है और कर्नल से सारी इन्फॉर्मेशन लेता है कि मेरे पास कौन कौन सी सिस्टम्स एंड प्रोसेस इस वक्त रन हो रहे हैं ठीक हो गया तो जब हम लोग रूट किट इंस्टॉल करते हैं तो एप्लीकेशन मैनेजर uh, की जो रिक्वेस्ट होती है वो कर्नल के पास नहीं जाती है ठीक है वो डायरेक्ट चली जाती है रूट किट के पास ठीक है रूट किट अपने पास उसको डाइवर्ट कर लेता है ठीक है तो फिर रूट किट में आप जो भी इंफॉर्मेशन देंगे फॉर एग्जांपल अगर कोई रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल चल रहा है तो रूट किट उसको शो uh, नहीं करता है कि हम मेरे पास ये भी प्रोसेस है या फिर ये एप्लीकेशन चल रही है ठीक है <coughs> तो रूट किट जो है दिस वाज रेलिवेंट टू रैट्स ठीक है फ़िशिंग वगैरह अभी फ़िशिंग की आ, अगर मैं एक छोटी सी और एग्जाम्पल और भी देता हूँ ज़्यादा जाते, जाते आ, आपने वेबसाइट्स देखी होंगी अक्सर कि जब आपके पास कोई लिंक आता है जब आप उसको ओपन करते हैं तो वो कुछ सिमिलर लेजिट वेबसाइट होती हैं मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी फेसबुक में आप चले जाएँगे नहीं तो यूट्यूब में चले जाएंगे समथान अभी जी में चले जाएंगे इनफैक्ट यूट्यूब में नहीं जी में चले जाएंगे ठीक है तो वो आपको ऐसी वेबसाइट्स में लेके जाएंगे वेर यू नो दे दोस्त पीपल व लास्ट यूर क्रीडेंश ठीक uh, है अभी विदाउट अगर uh, आप उसके वेब एड्रेस हैं उनको आप नहीं देखेंगे तो बेसिकली uh, वो एक डमी वेबसाइट्स होती हैं ठीक है थीके? तो वहाँ पर जैसी आप क्रीडेंशल्स uh, डालते हैं अपने नथिंग विल हैपन ठीक है बट योर क्रीडेंशल विल बी स्टोलन एंड यू कैज विल नॉट इवन नो ठीक है तो फिशिंग ये सारी चीज़ें फिशिंग करती हैं ठीक है सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये बाकी जितने भी कैटेगरीज uh, रहती हैं वो हम लोग कवर करेंगे सो स्टे ट्यून एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो